कार्तिक को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, है ना? रुद्राज यहाँ, कार्तिक यहाँ, चलो रुद्राज। तो कार्तिक को स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। कार्तिक कार्तिक चला गया स्कूल, चल जाएगा, और हस्बैंड भी चले गए, हम और बाबू रह गए। तो आराम से दो लोगों का कुछ भी, बाबू दूध पी लिया है तो आराम से बनाएंगे फिर, है ना? और ये देखिए, अच्छा इन्हें वीडियो में आना था इसीलिए ये जो है मेरे पीछे पीछे आया है ना? चलिए तो बाय बोलिए, नहीं पहले गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ चलिए, चलो ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कार्तिक को छोड़ के आने के बाद मैं नाश्ता बनाई, नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं जो है वो बेड्स मेटने आ गई। और आज जो है वो सब लोग जल्दी जल्दी चले गए, मतलब जल्दी जल्दी गए इन द सेंस कि आज सुबह वाली क्लास थी हस्बैंड की, और कार्तिक का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। बीच बीच में एक एक दिन एग्ज़ाम होते रहता है, तो कार्तिक का एग्ज़ाम था, बाबू को आज छुट्टी था, आज स्कूल नहीं भेजना था उसे बाबू को, तो इसकी वजह से मैं नाश्ता बनाई, उसके बाद फिर ये सारा समेट लूँगी, और समेटने के बाद फिर नहाऊँगी, नहा के पूजा फिर करना है। तो ये सारा समेट आया रहता है ना, तो फिर घर थोड़ा साफ साफ लगता है, अदरवाइज फिर पूरा घर नहीं समझ में आता है। तो बेड ठीक रहता है तो घर पूरा साफ रहता है। और ये देखिए बाबू जो है, इन दिन भर स्कूल जाने का मन करता है, इसको इतना मज़ा आता है। पहला दूसरा दिन रोया, उसके बाद फिर स्कूल जाने में इन्हें बहुत मज़ा आने लगा। ये कभी भी स्कूल जाओ करते रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो चादर है वो सारा समेट दी हूँ और हटा दी हूँ। अब मैं यहाँ पे जो बेडशीट है वो थोड़ा ठीक कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बेडरूम क्लीन रहता है ना तो पूरा घर क्लीन रखता है, लगता है पूरा बेडरूम क्लीन लगता है, चादर अगर ठीक रहता है। तो सो के उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही रहता है, अगर मैं किचन में बिजी हूँ तो हस्बैंड कर देते हैं और कार्तिक भी कर देता है साफ। अब तो खूब अच्छे से नहीं करता है, लेकिन हाँ अच्छा करता है, कोशिश रहती है उसकी। यहाँ पे जो है वो हस्बैंड आ गए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट। मार्केट में इन द सेंस कि कुछ सामान खरीदना, जैसे चावल, आटे, तेल, ये सारे चीज़ ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है। तो बाबू को लेकर के निकल गए हैं मार्केट के लिए, और बगल में ही दुकान में मिलता है, होम डिलीवरी कर देता है, तो उसको ऑर्डर करके आ जाएंगे। और जो खरीदना रहेगा कुछ और चीज़, छोटे मोटे चीज़, वो हाथ में लेकर के आ जाएंगे, बाकी ऑर्डर करने पर आ जाता है। तो यहाँ पे निकल गए हैं और इसके बाद फिर मैं आ करके खाना बनाऊँगी। और आज बहुत सारा काम है, छोटा मोटा बहुत सारा, इतना सारा काम है ना, मतलब किसी दिन छोटा छोटा इतना सारा काम होता है, वो काम गिनती में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा काम होता है ऐसे। ये मेरा कॉपी दिन भर करते रहता है, और कुछ इस तरीके से हम लोग दिन भर माँ बेटे जो है वो मिलके बिताते हैं। और ये देखिए बाकायदा कुछ कर रहा है लैपटॉप पे, क्या कर रहा है बाबू? तो जैसे मैं कर रही हूँ ना उसी तरीके से ये भी अपना ऐसे ऐसे फिंगर घुमा रहा है। तो आए हैं पास्ता लेकर के भी आया है कार्तिक को, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था और देख लिया था उसको पास्ता, तो मैं बनाने लगी हूँ पास्ता शाम का टाइम है, और चाय के साथ थोड़ा थोड़ा पास्ता सबका हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी भूख भी लगी है, आज खिचड़ी बनी थी। तो यहाँ पे पास्ता को मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दी हूँ, और एक तरफ जो है चूल्हे पे ये प्याज और टमाटर लहसुन वगैरह का पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि इसे डाल करके पास्ता बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखिए भून करके और तैयार था, और पास्ता हमारा जो है वो बॉयल हो गया है खूब अच्छे से। तो बॉयल होने के बाद फिर उसे ठंडे पानी से मैं धो दी हूँ, और इसके बाद इसको ठंडा करके पीस ली हूँ, और पीसने के बाद फिर इसे खूब अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इससे बहुत अच्छा पास्ता बनता है, कभी इस तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये थोड़ा देर पकेगा, उसके बाद फिर मैं इसमें मैं डाली हूँ धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़े से, ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आए, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और पास्ता में कलर भी थोड़ा सा अच्छा आए, क्योंकि ऐसे कलर थोड़ा अच्छा नहीं आता है, मतलब खाने वाले खा लेते हैं लेकिन मुझे ऐसा कलर वाला पसंद नहीं है।
तो इसलिए। और इसे खूब अच्छे से भी भूनेंगे, जैसे हम लोग पनीर वाले नहीं भूनते हैं मसाले, या कोई भी मसाले जो तेल छोड़ने लगते हैं, तो उसी तरीके से खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा, मैं ज़्यादा ही प्याज टमाटर ये मैं ग्रेवी बना ली थी उसका, तो इसलिए मैं थोड़ा निकाल ली हूँ। और जब ये अच्छे से भून गया है तो थोड़ा पानी डाल दिए हैं, क्योंकि हमें इसे थोड़े से एकदम ड्राई ड्राई वाले पास्ता नहीं बनाने, थोड़े से अच्छे चटपटे लटपटे बनाने हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच 2 चम्मच के लगभग मैं डॉक्टर ओटकर का सॉस ली हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है डॉक्टर ओटकर वाला। उसके बाद फिर यहाँ पर ली हूँ मैं वो आपका हर्ब्स ली हूँ, इटालियन हर्ब्स जो होता है, ऑर्गेनो वो ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे पास्ता मसाला ली हूँ। ये सारा चीज़ मिला करके पास्ता इतना टेस्टी बनता है कि मत पूछिए। तो यहाँ पे एक पूरा पाउच में ले ली हूँ इसमें पास्ता मसाला। आपका अगर पास्ता ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा ले इसमें। फिर थोड़ा सा टोमेटो सॉस ली हूँ, ये भी ज़रूरी है और बहुत अच्छा टेस्ट ये सब का आता है, बैलेंस सा। अब इसको थोड़ा देर पका लेंगे, और जब ये थोड़ा पक लेगा तो उसके बाद फिर हम डाल देंगे पास्ता। और अभी तक नमक तो डाले ही नहीं थे, तो थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, क्योंकि पास्ता उबालते समय नमक डाले थे। और नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे, क्योंकि जो सारा चीज़ डाले ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा नमक होता है। उसके बाद पास्ता डाल करके और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, 1 मिनट तक का मिक्स करेंगे। और फिर और ये देखिए हमारा पास्ता जो है वो बहुत रेडी हो गया, बहुत टेस्टी पास्ता बना है। और ऐसे एक बार आप जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत अच्छा लगता है, सबको जरूर पसंद आएगा आपके यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किया जाता है ये पास्ता। तो बस ये पास्ता बन गया है, और अब मैं जाऊंगी मार्केट, और मार्केट से जा करके मैं आई हूँ तो लाई हूँ ये अच्छे से, थोड़े से साग दिख गए तो पालक ले आई हूँ और लाल साग ले आई हूँ। अक्सर मैं कुछ लाऊँ या ना लाऊँ, लाल साग और पालक अगर अच्छे दिख जाते हैं तो ज़रूर मैं लाती हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत कम ही अच्छे दिखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे परवल हो गया, सीम हो गया, बैंगन हो गया, ये सारा चीज़ मैं ले आई हूँ, टमाटर हो गया, ये सारा चीज़ मार्केट से ले आई हूँ, क्योंकि सब्जी सारी खत्म हो गई थी।